दोस्तों, आप ये जो मशरूम देख रहे हैं, इसका बायोलॉजिकल नाम फलाई एगेरिक है और इसे इसका जो नाम है वो एमेनिता मस्कारिया है। दोस्तों, ये काफ़ी जहरीली मशरूम है और तकरीबन कुछ केसों में आदमी इसमें कोमा तक लीड कर सकता है और कहीं कहीं उसकी मौत भी हो सकती है। देखने में सुर्ख लाल रंग की ये मशरूम काफ़ी आकर्षक होती है और काफ़ी जहरीली ये मशरूम होती है। भारत के अंदर ये आमतौर पर पतझड़ और बरसात के मौसम में दिखाई देती है। इसका आकर्षण इतना अच्छा होता है कि आदमी ना चाहते हुए भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। दोस्तों, पुराने टाइम में ये जो मशरूम थी, इसका उपयोग राजमहलों में किया जाता था, जिससे कि नशा इत्यादि के लिए किया जाता था। आमतौर पर इसको लोग सोमरस बनाने में इस्तेमाल करते थे, जो एक तरह का मतलब टॉक्सिक एलिमेंट था, जिससे आदमी नशे की स्थिति में आ जाता था। दोस्तों, इसको जो है कई बार मक्खी मच्छर इनको भी भगाने के रूप में इस्तेमाल होता था पुराने समय में, दूध में मिक्स की करके। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे कोई भी मक्खी मच्छर इसका थोड़ा बहुत भी रस पान करते हैं, वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं, जैसा आपको चित्र मरित दिख रहा होगा। दोस्तों, इस मशरूम के इस्तेमाल में 1% भी लापरवाही सीधा जानलेवा हो सकती है। इस मशरूम की भारत के अंदर हल्की नारंगी और पीले रंग की भी प्रजातियां पाई जाती हैं, पर ये मशरूम जो है काफ़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों, इस मशरूम का जो उपयोग है वो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी जो हमारे हम जो एरिया हैं, इनके अंदर इसका उपयोग रेंडियर को खिलाने पिलाने के काम में आता था, जिससे कि उनका थोड़ा जो है वो नशे की हालत में आ जाते थे और उन्हें ठंड वगैरह के प्रकोप से बच सकते थे। दोस्तों, ये जो चांद पे पहुंचने का सांता क्लॉज का जो कंसेप्ट है रेंडियर का, वो भी इसी से आया हुआ है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले जो है वैज्ञानिकों ने अभी तक लगभग मशरूम की 14,000 से ज़्यादा वैरायटियों को रजिस्टर्ड किया है, जिनमें कई तरह की हानिकारक मशरूम हैं। दोस्तों, अभी तक की सबसे ज़्यादा जो जहरीली मशरूम है वो एमेनिता फ्लोइड्स है, ये जो आपको दिख रही है। इसको डेथ कैप भी कहा जाता है और ये US में मेनली जो है पाई जाती है, और इसको खाने के तुरंत बाद आदमी जो है मर जाता है। तो दोस्तों, ये ऐसी मशरूमों का आपको जो है बड़ी सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि मशरूम जो है हमें सिर्फ मतलब नशा और मृत्यु ही देती हैं। आपने कई उसमें देखा होगा कि मशरूम जो है जीवनदायिनी भी है और ये तरह तरह के मेडिसिनल उसमें यूज की जाती है, जैसे कि ये कुछ दवाइयाँ आपको मशरूम से बनी हुई स्क्रीन पर दिख रही होंगी। दोस्तों, 1968 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक गॉर्डन वासन ने जो है एक बुक लिखी, जिसका नाम था सोमा द डिवाइन मशरूम ऑफ इमोर्टिलिटी। सोमा मतलब सोम, जैसे आपको पता है हमारे वैदिक काल में सोम जो है यूज किया जाता रहा है, सोमरस। तो उनका मानना था कि जो है इन मशरूम की सहायता से हम सोमरस जो है बना सकते हैं, हालांकि वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाए। तो उन्होंने काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब वो कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने अपनी रिसर्च को बंद कर दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे और भाइयों को वीडियो की जानकारी मिल सके। नमस्कार।